हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अडीनो वायरस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अडीनो वायरस। ये जो वायरस है वो कहाँ से डिस्कवर हुआ था? ये डिस्कवर हुआ था एडिनोइड टिश्यू से। और ये वाला वायरस है वो मोस्टली क्या चीज कॉज करता है? रेस्पायरेटरी डिसीज। अगली चीज ये है कि ये जो वायरस है वो सबसे पहले रिमूव हुआ था कहाँ से? ह्यूमन एडिनोइड टिश्यू से। कब? 1953 में। फ्रॉम ह्यूमन एडिनोइड टिश्यू। कब? 1953 में। किसके द्वारा? रॉ, मतलब ये साइंटिस्ट थे रॉ और उसके एसोसिएट्स। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है ये, इसका जो साइज होता है 10 से 15 नैनोमीटर। साइज 10 to 15 नैनोमीटर। दूसरी चीज है इसमें जो कैप्सिड होती है वो कंटेन करती है 252 कैप्सोमर्स। अगली चीज है वो ये है कि सारे जो कैप्सोमर्स हैं वो अरेंज होते हैं कैसे? एक आइकोसा हेड्रन सिमेट्री की फॉर्म में। और ये जो होता है कंटेन करता है क्या चीज? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। मैंने ये इसका डायग्राम बनाया और उसकी लेबलिंग करी। ये होता है हमारा लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको बोलते हैं हम नॉक। ये होती है हमारी रॉड, और ये ब्लैक वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टर्मिनल प्रोटीन, और जो हमारे जो पार्ट के अंदर चीज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम पेंटन्स। अगली चीज है वो ये है कि इसकी स्ट्रक्चर में 13% तो डीएनए होता है, और 87% ये कंटेन करता है क्या चीज? प्रोटीन। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है हमारा 150 से 180 × 10^5 डाल्टन। ये बात कर ली इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करते हैं अडीनो वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में। ये जो वायरस है इसको दो क्लास में क्लासिफाई किया है, मेस्ट अडीनो वायरस दूसरा होता है हमारा एवी अडीनो वायरस। जो हमारा मस अडीनो वायरस है वो अडीनो वायरस होता है किसका? मेम्बल्स का। और जो हमारा अभी अडीनो वायरस है वो अडीनो वायरस होता है किसका? बर्ड्स का। अगर आप ह्यूमन में देखोगे तो जो हमारे अडीनो वायरस है क्लासिफाइड होते हैं 6 ग्रुप में। कौन कौन से? ए से लेकर एफ तक। ये बात कर ली हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। अब बात करते हैं इसके रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे सर्वाइव कर जाता है रेजिस्टेंस। सबसे पहली चीज है ये स्टेबल होता है किस पीएच पर? 6 से लेकर 9.5 पीएच तक। दूसरा पॉइंट है ये रेजिस्टेंस होता है किसके? क्लोरोफॉर्म के, ईथर के और बाइल साल्ट के।
मतलब ये इनको टॉलरेट कर सकता है। तीसरी चीज है ये जो होता है इन्फेक्शनस होता है एक वीक के लिए, किस टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस के लिए इन्फेक्शनस। कितने टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस, कितने दिन के लिए, एक वीक के लिए। अगला पॉइंट है ये जो होता है वो इनएक्टिव होता है कितने टेम्परेचर पे, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम होता है ठंड लगने लगती है, मतलब कोल्ड होने लगता है, निमोनिया। दूसरा सिम्टम है इसका फीवर आ जाता है। तीसरा सिम्टम है पिंक आई। तीसरा सिम्टम है इन्फ्लामेशन होता है, किसका, स्टमक का, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक। चौथा है शॉर्ट थ्रॉट, मतलब कि ब्रोंकाइटिस। ये होते हैं इसके सिम्टम्स। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में कि कैसे ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन ये जो वायरस है वो मोस्टली एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि एयर बोन वायरस होता है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। किसके, स्विमिंग पूल के। जब भी हम स्विम करते हैं उस टाइम पे ये आई के थ्रू एंटर करता है। ये बात कर ली इसके ट्रांसमिशन के बारे में। अब आगे बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। ये वायरस का कोई भी स्पेसिफिक टाइप का ट्रीटमेंट नहीं होता, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन क्या है इसका, एक तो होगी हमारी पर्सनल हाइजीन, दूसरी होगी केयरफुल हैंड शेकिंग, और तीसरा ये कि जब भी टॉयलेट के कपड़ों को हम आते हैं तो हम अपने हाथों को वॉश कर ले अच्छी तरह से। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, ये वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है। ये बात कर ली हमने अडीनो वायरस के बारे में। होपफुली आप लोगों को जो मैंने इसके बारे में बताया समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब।